अभी टाइम हो रहा है नाइन ओ और नाइन ओ के समथिंग मैं इसे डेली ब्रेकफास्ट ऑफ़र करती हूँ आज ब्रेकफास्ट में मैं इसे मूँग दाल चीला दे रही हूँ जिसे बनाने के लिए मैंने साबुत मूँग ली है एंड ऑनियन ऐड करूँगी मैं इसमें टोमेटो ऐड करूँगी जिंजर ऐड करूँगी गार्लिक ऐड करूँगी आप चाहो तो कुछ और भी ऐड कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन सबको मिला के हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे जिसकी कंसिस्टेंसी आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है कि आप किस कंसिस्टेंसी का बनाते हो अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ एंड टर्मेरिक ऐड कर रही हूँ आप चौदह चाट मसाला वगैरह ऐड कर सकते हो बट मैं नहीं ऐड कर रही मैं इतना ही ऐड करती हूँ इन सबको मिला के मैं एक पेस्ट बना लूँगी वैसे मेरा बेटा मॉर्निंग में सेवन थर्टी तक जग जाता है तो जगने के बाद में मैं उसे मॉर्निंग में सबसे पहले जो देती हूँ वो मिल्क देती हूँ डे का तो मिल्क उसका हो चुका है और अब मैं उसको ब्रेकफास्ट दे रही हूँ इस एंड अगर आपसे डायरेक्ट मूंग दाल का चीला नहीं बनता तो आप इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड कर सकते हो राइस फ्लोर ऐड कर सकते हो थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हो कुछ भी मिक्स करके भी बना सकते हो कुछ लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि आप जो चीले बनाते हो सॉफ़्ट तो बनते हैं ना हाँ ये बहुत सॉफ़्ट बनते हैं बच्चे इसे इजीली अचीव कर लेते हैं ये रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो आप जब भी चाहो आप रोटी की जगह बच्चों को चीले बना के दे सकते हो और जो मूंग दाल चीला होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है जो बच्चों के इस टाइम ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो मूंग दाल चीला तो आपको अपने बेबी की डाइट में ऐड करना चाहिए मैं इसे डेली सेम ब्रेकफास्ट नहीं देती हूँ अगर हम सेम ब्रेकफास्ट बच्चों को डेली देंगे तो क्या होता है बच्चे बोर हो जाते हैं वो उनका जो खाना होता है बहुत कम हो जाता है या फिर उसे अवॉइड करने लग जाते हैं तो मैंने सेवन डेज के लिए इसको सेवन डिफरेंट टाइप की ब्रेकफास्ट देती हूँ इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि मैं अपने बेबी को सेवन डेज किस टाइप का ब्रेकफास्ट देती हूँ आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो इस वीडियो को देखने से आपको ये फायदा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप अपने बेबी को सेवन डेज तक कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट दे सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना मॉर्निंग में सोचने की वो भी बहुत कम हो जाएगी कितना सॉफ्ट है ये सॉफ्टनेस आप देख रहे हो तो बच्चे के लिए तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है देख रहे हो लोगों को लगता है कि कडक कडक बनता बनता, बनता ही नहीं, नहीं बिल्कुल भी बहुत सॉफ्ट है।, हाँ, के, के है, है।, है। है। खाओ मम्मा की लो? लगा लगा के 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 कैसे खाते मेरा ये थोड़ी देर लिए खेलता मार रहे हो तो इसके साथ खेल रहा तो 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 कभी कैसे कभी कैसे है या फिर कोई भी अच्छा होता है एक्टिव रहता है तो मैं कुछ ना कुछ इसको करवाती रहती हूँ बस मर गए अच्छा बच्चा हुआ है ठीक है उसे भी बच्चे तो। हमें जो भी करते हुए देखते हो बहुत जल्दी सीख जाते हैं इसलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छी अच्छी चीजें क्योंकि उन्हें सिखाने की जरूरत है सही सीख जाते हैं टाइम हो रहा है एलेवन ओ क्लॉक और इस टाइम पे मैं इसे मिड मॉर्निंग स्नैक देती हूँ और आज मैं इसे मिड मॉर्निंग स्नैक में एप्पल दे रही हूँ इस टाइम पे मैं इसे एप्पल दे देती हूँ बनाना दे देती हूँ कोई भी सीजनल फ्रूट्स जो होता है मेरे पास मैं वो भी दे देती हूँ या फिर डिफरेंट टाइप का कुछ बना भी देती हूँ जैसे अभी रेनी सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग सूप बना दिया कभी आपको बच्चों के खाने में फ्रूट्स जरूर ऐड करना चाहिए स्पेशली सिट्रिक फूड भी आपको ऐड करना चाहिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए सिट्रिक फूड है खट्टा होगा जैसे कुछ लोग केवी खिलाने से पहले स्ट्रॉबेरी खिलाने से पहले सोचते कि बच्चा कैसे खाएगा बिल्कुल मत सोचिए बच्चों को ऑफ़र कीजिए उनको टेस्ट लेने दीजिए तभी तो उनको आइडिया लगेगा कि उनको खाना भी है नहीं खाना स्लोली स्लोली एंड अभी हम लोगों ने हमारे लिए कॉर्न बॉईल किया था तो मैंने इसको भी कॉर्न दिया है खाने के लिए जो भी खाएगा फैलाएगा बट ये खाना सीखेगा अभी इतना ज़्यादा कौन नहीं आता बट मैं तो इसे ऑफर करती रहती हूँ जिससे कि इसको टेस्ट बना आ, रहे इधर क्या होता है कि बच्चा फर्स्ट टाइम में नहीं खाता आ, कोई भी चीज़ हम उसे न्यू देते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि बच्चे ने नहीं, नहीं खाया तो उसे नेक्स्ट टाइम ऑफर नहीं कर रहे आप बच्चों को नेक्स्ट टाइम फिर से दीजिए फिर से दीजिए हो सकता है तीन चार बार में वो खाना सीखेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में हो सकता है उसे वो टेस्ट अच्छा नहीं लगाओ बट धीरे धीरे उसे वो टेस्ट अच्छा लगने लग जाता है इसलिए पहली बार देने के बाद में बिल्कुल भी जजमेंटल मत होइए बच्चों को बार बार ऑफर कीजिए मैंने मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं हमारे बेबी को ये पसंद नहीं है बच्चों को सब चीज़ पसंद आती है आप उन्हें बार बार ऑफ़र कीजिए वो खाना स्टार्ट कर देंगे अभी तो टाइम हो रहा है ट्वेल्व ओ क्लॉक ट्वेल्व ओ क्लॉक के समथिंग मैं इसको लंच बनाने की तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ट्वेल्थ थर्टी के में से इसका लंच देती हूँ और आज लंच में मैं इसके लिए बना रही हूँ पुलाव जिसे बनाने के लिए मैंने जितने भी मेरे पास वेजिटेबल्स थे लाइक कॉर्न बीन्स टोमेटो ऑनियन पी सब मैंने ले लिए क्योंकि आजकल सब्जी बहुत कम खाने लगा है तो मैंने इसका जो ऑप्शनल ये निकाला है कि मैं इसको सब्ज़ी किसी ना किसी फॉर्म में दे देती हूँ अगर आपका बेबी भी, भी, भी सब्ज़ी कम खाता है तो आप उसे सब्जी इस फॉर्म में भी दे सकते हो एंड अभी मैंने कुकर में ऑयल ऐड किया है उसमें जीरा डाला है थोड़ा सा हेंग डाली है एंड अब प्याज ऐड किया है प्याज को मैं थोड़ी सी देर भुनने देती हूँ जिससे क्या होता है कि खिचड़ी में टेस्ट अच्छा आएगा अब उसमें ऐड करेंगे जो भी मैंने वेजिटेबल्स ली थी जैसे कॉर्न मैं ऐड कर रही हूँ पी मैं ऐड कर रही हूँ बीन्स कैरेट टोमेटो आपके पास जो भी वेजिटेबल्स आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो इस फॉर्म में आप बच्चों को दोगे ना तो बच्चे बहुत इजीली खा लेंगे मेहनत भी कम लगती है और सब्जियाँ भी उन्हें मिल जाती है अब आपके अनुसार आप नमक ऐड कर लो उसमें मैंने टर्मेरिक ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मैं गरम मसाला उसके खाने में अभी ऐड नहीं करना स्टार्ट किया तो आप चाहो अगर आप देते हो तो गरम मसाले भी ऐड कर सकते हो वैसे प्लेन राइस भी बहुत अच्छे बनते जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप इस तरीके से बनाना जरूर ट्राई करना बहुत यम ही यमी, यमी बनते इवन आप लोगों को भी खुद के लिए भी ट्राई कर सकते हो रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बने थे तो मैं बहुत बार अपने लिए भी बना लेती हूँ आज मैं इसके लिए बना रही थी क्योंकि मैंने अपने लिए खाना बना रखा था इसमें ऐड कर रही हूँ वन ग्लास वाटर एंड मैं इसे चार से पाँच मिसल आने तक पकाऊंगी क्योंकि अगर ये थोड़े से ज़्यादा पक जाते तो ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाते और ये आसानी से खा लेता है वरना इसे चबाने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर चाय का भी कम तो भी ये खा लेगा इसलिए देखो कितना आ रहा है बहुत टेस्टी बनते हैं आप भी ट्राई कीजिए ये आपको भी पसंद आएंगे और आपके बेबी को भी पसंद आएगी इसके साथ मैंने इसके खाने में ऐड किया लौकी की सब्ज़ी जो दाल के साथ मैंने बनाई थी एंड थोड़े से सैलेड ऐड किए जिसमें मैंने कुकुम्बर ऐड किया है एंड मैं इसे खुद से खाने दे रही हूँ आई नो थोड़ा सा मेसी हो जाता है आज थोड़ा बहुत बिखेरता भी, भी है बट हाँ खुद से खाना सीख रहा है इसलिए मैं खुद से खाने के लिए ऑफर करती रहती हूँ जब तक तो खुद से खाता है वरना बीच बीच में मुझे भी खिलाना पड़ता है क्योंकि पूरा खाना तो खुद से खाएगा नहीं तो अभी फिलहाल एक खुद से खा रहा है क्योंकि शायद इसे पसंद आ रहा है जो चीज़ इसे पसंद आती है उसमें ये इंटरेस्ट दिखाता है और ख़ुद से खाना स्टार्ट कर देता है एंड आप नोटिस करोगे कि एटीन नाइन्टी मंथ में जो बेबी का खाना होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है पहले की कंपेरिजन में जो ये सेवनटीन सिक्सटीन मंथ में खा रहा था अब उसका बहुत ज़्यादा कम इसने खाना खाना कर दिया है तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी खाना ले जो भी बाइट ही ले रहा है वो इसके लिए वैल्यूएबल हो न्यूट्रिशियस हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें आप ऐड कीजिए क्योंकि इस टाइम पे आप कोई नोटिस करोगे कि आपका बेबी की जो डाइट है ना वो कम हो गए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना ये इनका एक चेंज का पार्ट होता है बच्चे पहले की में बहुत कम कर देते हैं खाना बट धीरे धीरे मे बी वो स्टार्ट करते ज्यादा बट अब ये बहुत कम अभी तो मैं ट्राई करती हूँ अगर ये कम भी खा रहा है बट अच्छा खाए जिससे इसको फुल ऑन न्यूट्रिशन मिल सके जो इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है एंड आफ्टर लंच ये थोड़ी बहुत देर खेलता है तो अभी मैं इसको छत पे ले आई हूँ खेलने के लिए तो ये थोड़ी देर के लिए खेलेगा यहाँ पर फिर इसके बाद में मैं इसे सुला दूँगी आज ये बैट बॉल खेल रहा है क्योंकि वेदर अच्छा हो रखा था तो मैंने सोचा कोई नहीं इसको थोड़ी देर खेल नहीं देती हूँ तो इसका थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा और ये आराम से सो जाएगा जितना ज़्यादा बच्चा थका हुआ होता है उसे नींद उतनी अच्छी आती है इस टाइम पे आप बच्चों के नेप में भी चेंजेस देखोगे कि बच्चे दो नेप से एक सिंगल नेप लेना स्टार्ट कर देते हैं वो भी वो लेते हैं अगर आप उन्हें सुलाते हो तो वरना बच्चे खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एंड जो नेप वो लेते हैं वो उनकी लॉन्ग नेप होती है वो बिना डिस्टर्बेंस के बहुत देर तक सो जाते हैं एंड ये फोर फोर थर्टी के अप्रोक्स जग जाता हैं आज वेदर अच्छा है तो मैं इसके लिए पोहा पैटीज बना रही हूँ ये बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है इसके लिए मैंने पोहा लिया जिसे मैंने कम से कम टेन मिनट तक भिगो के रखा था जिसे सॉफ्ट हो जाते हैं बॉयल्ड पोटेटो लिया है जिसे मैंने मेश कर लिया है एंड मैंने यहाँ पर कैरेट लिया है कॉरेंटा लिया है अब मैं इन सबको बाउल में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये जो टिक्की बनाना होता है कटलेट बनाना बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी बन जाती है आप ट्राई कीजिए रेसिपी बहुत अच्छी है बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है बहुत पसंद आती है बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं इवन आप लोगों को भी अच्छी लगेगी आप इसे ए इवनिंग स्नैक ब्रेकफास्ट किसी भी आप बच्चों को दे सकते हो आप चाहो तो ब्रेकफास्ट में दे सकते हो इवनिंग स्नैक में दे सकते हो मसाले में मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती इसके में मैं ओनली टर्मेरिक ऐड करती हूँ साल्ट ऐड करती हूँ और ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ अभी मैंने रेड चिली के खाने में ऐड नहीं की क्योंकि जब भी मैं ऐड करती हूँ इसको मिर्ची लगना स्टार्ट हो जाती है और ये नहीं खाता तो फिर मैं अवॉइड कर देती थी तो थोड़ा सा जीरा ऐड किया है मैंने यहाँ पर और हमारा मसाला बन तैयार है आप चाहो तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस हो जाता है मेरे पास था नहीं तो मैंने अभी ऐड नहीं किया इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉफ्टली हम टिक्की बना लेंगे कटलेट आप कटलेट की सेफ भी दे सकते हो अगर आपको कटलेट खाना ज़्यादा पसंद है गोल टिक्की खाना पसंद है तो वो बना सकते हो किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हो एंड ये बहुत कम ऑयल में बहुत जल्दी बनने वाला स्नैक होता है आप भी अपने खाने में ऐड कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम होता है एंड मैं स्पेशली उस केस में ज़्यादा ऐड करती हूँ जब मेरे को पोटैटो की सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं एक्स्ट्रा पोटैटो बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि जो एक्स्ट्रा पोटैटो होते हैं ना उससे ही बनाना और ईजी हो जाता है कि मुझे स्पेशली इसके लिए बॉयल नहीं करना पड़ता तो आप ये भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो अपनी सब्जी जब भी बना रहे हो पोटैटो एक्स्ट्रा बॉयल कर लीजिए और उससे आप ईजीली टिक्के बना लोगे पोटेटो की भी टिक्के बना सकते हो अगर पोहा ऐड नहीं कर रहे हो कभी पोहा ऐड कर दिया और हमारी टिक्की बन के तैयार है अब देखते हैं रुद्र किस इंटरेस्ट से इसे खाता है भी नहीं खाता एंड में से स्नैक में कटलेट कभी पोटेटो कभी ये वाली पोहा कटलेट डिफरेंट डिफरेंट बनाती रहती हूँ बॉयल्ड एग दे देती दे दे हूँ आमलेट दे देती दे हूँ सूप दे देती दे हूँ खीर बना देती हूँ इस तरीके से वैरायटी में इसको मिलता रहता है और जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो उसके बारे में मैं रिपीट भी कर देती हूँ थोड़े टाइम बाद में क्योंकि जब तक ये टेस्ट भूल जाता है और इसको न्यू ही लगता है तो इस तरीके से आप अपने बेबी का जो स्नैक है वो भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो आप उसे वैरायटी दीजिए एंड बच्चों से खाना खिलाते टाइम उन्हें बात कीजिए क्योंकि हम उनसे बात करते रहते हैं तो उनका ध्यान खाने में लगा हुआ रहता है वरना तो वो खाने को अवॉइड करके इधर उधर कंसनट्रेट करना स्टार्ट कर देता है मैं उससे बातें करती तो जो भी मैं खाना दे रही हूँ तो उसके बारे में बात करने लग जाती या जो भी होता है आज इसने क्या किया उसके बारे में बताने लग जाती तो इसका खाना खाने में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है अभी इसका स्नैक फिनिश हो गया और मैं इसको वापस छत पे लेके आई हूँ क्योंकि और तो कहीं जा नहीं सकते हमारे यहाँ पार्क थोड़ा दूर है तो मैं इसको मोस्टली छत पे लेके जाती हूँ और कभी कभी पार्क पे ले जाती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो एंड अब ये साइकिल चला रहा है एक साइकिल हाँ इस टाइम पे इस मंथ में आप देखोगे बच्चों की जो साइकिल है वो थोड़ा थोड़ा उसको पुश करना उसका पैडल चलाना स्टार्ट कर देते हैं ये नई चीज सीखी है इसमें अभी टाइम हो रहा है एट ओ क्लॉक और एट ओ क्लॉक के समथिंग में से इसका जो डिनर होता है उसे ऑफर करती हूँ आज डिनर में मैं इसे भिंडी दे रही हूँ पनीर की सब्ज़ी थोड़ा सा सैलेड में कोकुम्बर ऐड किया है एंड पराँठे पराठे में क्या करती हूँ आजकल ये प्लेन पराठा ज़्यादा खाता है सब्जी बहुत कम खाने लग गया तो मैं पराठे बनाते टाइम उसमें थोड़ा सा घी अजवाइन एंड जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर होता है वो भी मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि जो पराठा खा रहा है प्लेन भी खा रहा है तो इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन मिल सके टेस्टी लगे तो इसलिए मैं इसके जो पराठे में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ कभी कभी सब्ज़ियाँ भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि सब्ज़ी कम खाना स्टार्ट कर दिया तो इस तरीके से मैं इसको सब्जी देती हूँ एंड मैंने डिनर में आज इसके लिए कोई भी स्पेशल कुछ नहीं बनाया आज इसको मैं वही खाना दे रही हूँ जो हम खा रहे हैं क्योंकि एक टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि इसको वो खाना भी ऑफर करूँ जो हम लोग खाते हैं इससे क्या होगा कि हमारे खाने पे मूव ऑन करेगा वरना तो ये वही खाना खाता रहेगा जो हम इसको लिए बनाती रहोंगी तो इसलिए मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बार बार इसके लिए बनाना बट अगर ये मेरा खाना खाना सीख जाएगा तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा खाना बनाना इसके लिए